खबर फतेहपुर के हुसैनगंज से, जहां पुलिस ने 24 घंटे के भीतर जय सिंह की हत्या का राज खोलते हुए दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जय सिंह की हत्या गांव के ही दो लोगों ने किया था। 45 वर्षीय जय सिंह की हत्या दारूबाजी के चक्कर में की गई थी। आपको बता दें कि बुधवार देर शाम को 7 मील महेंद्र नगर कॉलोनी के सामने स्थित ठेके पर तीनों ने शराब पी थी, जो कि शराब ठेके में लगे सीसीटीवी फुटेज से खुलासा होने पर दोनों हत्यारे पकड़े गए। हत्यारों ने जय सिंह का गला घोटकर मारने के बाद उसकी दोनों आंखें फोड़ दी थी। मृतक जय सिंह भदार गांव का निवासी था। थाना क्षेत्र के बाबूगंज गांव के समीप गुरुवार सुबह में शव मिला था। आज प्रातःकाल थाना हुसैनगंज जनपद फतेहपुर के गांव बाबूगंज में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। मृतक के पास से उसके मोबाइल फोन के आधार पर एवं आसपास के गांव के लोगों से पहचान कराई गई तो उसकी पहचान जय सिंह उर्फ रज्जन ग्राम आधार के रूप में की गई थी। घटनास्थल से शराब के 3 पाउच, पानी पीने के गिलास, पानी के पाउच, मूंगफली और चटनी आदि सामान बरामद हुई थी। पुलिस ने तत्काल जांच पड़ताल शुरू की। जांच के दौरान 7 मील चौराहे पर एक शराब के ठेके में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जिसके आधार पर उस गांव के एक व्यक्ति अमित विश्वकर्मा का फुटेज बरामद हुआ। अमित विश्वकर्मा से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह एवं उसका साथी दिनेश तथा मृतक जैसे रज्जन तीनों कल शाम को 7वीं चौराहे से शराब के ठेके से शराब ली थी और बाद में जाकर के पी रहे थे। शराब पीने के दौरान दिनेश पटेल को मृतक ने गाली दे दी और अमित विश्वकर्मा तथा दिनेश पटेल ने मिलकर गमछे से उसका गला दबा करके हत्या कर दी और दिनेश आवेश में आकर उसकी आँख में, मृतक की आँख में अंगूठा घुसेड़ दिया था। पुलिस की तत्परता के चलते 12 घंटे के अंदर घटना का अनावरण कर लिया गया है। दोनों अभियुक्तों ने जुर्म स्वीकार कर लिया है, जो उसी गांव के रहने वाले हैं, और पुलिस के द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है, उन्हें जेल भेजा जाएगा।